नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज के सत्र में क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए त्रिकोणमितीय कोणों के मान की हम सारणी सामने लिख रखे हैं। इसको कैसे ज्ञात करते हैं आज इसके बारे में मैं विधिवत चर्चा करूंगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में बच्चे इसका मान भूल जाते हैं, या ऐसे भी कभी पूछ दिया जाता है कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो बच्चे कुछ बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए ट्रिक्स लाया हूं जो बच्चे या तो भूल जाते हैं या याद नहीं कर पाते हैं या उन्हें ये टेबल बनाने में दिक्कत होती है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए ये आपको सामने, अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम एक गिनती लेते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 0 से लेके 4 तक हम गिनती लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब सब में हम बटे, यानी 4 का सब में हम भाग देंगे। देखिए 4 का भाग दीजिए सब में, बहुत आसान है। देखिए पहला काम आपने क्या लिखा, पहला काम आपने ये लिख लिया। देखिए इतना आपने लिख लिया नंबर वन पे, ये काम किया। दूसरा काम में आपका है कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब देखिए तीसरे स्टेप में इसको क्या करना है, आप 0/4 लिख के इसके कर्णी लगा दीजिए, वर्गमूल हम निकालेंगे। फिर 1/4 लिख करके इसको कर्णी लगाइए, इसको स्क्वायर रूट में रखिए। 3/4 को आप स्क्वायर रूट में रखें, 4/4 को स्क्वायर रूट में रखें। अब देखिए यहीं से आपका ये वैल्यू ज्ञात होगा। देखिए अब आप बताओ 0/4 का भाग दोगे तो क्या होगा, आपका ये 0 आ जाएगा। देखो 0 आ गया तो हम यहां 0 इसका मान रख लेंगे। देखो 0 आ रहा है, मिलाते चलना। अब देखो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल तो देखो 1/2। देखो 1/2 यहां हम रखेंगे, देखो मिला लेना। देखो 1/2 आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक आपको बता रहे हैं। अब देखो ये 2 है तो 2 से काट दो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब बताओ इसका 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्ग निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसको कर्णी में 2 रख दो। चलो इसको आगे यहां हम रखते हैं 1/2 × 2, 1/2 × 2 मैंने रख दिया। चलो समझ में आ जाएगा, चलो आगे देखते हैं। अब देखो 3 का बताओ वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इसको कर्णी में 3 रख दो। अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो देखो ये आ गया कर्णी में 3/2, कितना आसान था। अब बताओ 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 4, तो 1/1 का वर्गमूल 1 होता है, तो देखो 1। वो कितना आसान रहा इसको निकालना। अब देखो अब ये रहा, अब काश का हमें लिखना है, तो यहीं से देखो उल्टा आते हैं। इसको हम यहां लिखेंगे, ये कर्णी में 3/2 यहां लिखेंगे। देखिए इसके बाद ये, फिर इसके बाद इसको ये यहीं पर हो जाएगा, फिर इसके बाद देखो ये 1/2 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो टेन थीटा का हमको मान लिखना है, तो देखो टेन थीटा का जरा आपको बता दें, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो पहला सॉल्व करते हैं। देखो ये 0 है 1 है, तो 0/1 तो इसका भाग दोगे तो ये आएगा 0। फिर ये क्या है 1/2,
एक बटे दो अभागे करणी में तीन बटे दो, इसको हल कर लो, एक बटे दो गुणे दो बटे करणी में तीन, दो से दो कट गया तो एक बटे करणी में तीन। देखो तो यहां पर जीरो आया, यहां पर एक बटे करणी में तीन आया। देखो बहुत आसान है इसको हल करना, एक उठ कर। अब देखो क्या करना है आगे, आगे कुछ मत करो, बस ये एक जो है ना इस एक को यहां रख दो, ये कर्णी में तीन है ना इस कर्णी को तीन में यहां रख दो। अब ये देखो जब इसको हम हल करेंगे, अब लास्ट वाला एक बटे जीरो, तो किसी भी संख्या में हम शून्य का भाग देते हैं तो इसका मान अनंत आता है, इसको बोलते हैं अनंत। तो देखो यहां हम लिख देंगे अनंत, इसको पढ़ते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ना। अब देखो कितना आसान रहा, काट के लिए इसी को बिल्कुल पलटी पा दो, इसको हम यहां रखेंगे, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, ये कर्णी वन अपान कर्णी में तीन यहां आएगा, ये जीरो है तो देखो यहां चला गया। देखिए कितना आसान रहा इसको ज्ञात करना। अब आप बताओ, अब इसको हमें ज्ञात करना, ये देखो सेक का बहुत आसान है, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। देखिए सेक का हम लोग निकाल लेते हैं कि सेक का कैसे निकालते हैं। देखिए सेक तो सेक थीटा बराबर आप देखो वन अपॉन कॉस थीटा होता है, तो चलो सेक को हम कॉस से लेते हैं, ये है कॉस, तो वन अपान लिखेंगे, कॉस का मान देखो ये वन है तो वन रख दो, तो इसका मान वन है, चलो यहां वन मैंने रख दिया कोई दिक्कत। अब आ जाओ इसमें, इसको हम वन अपान का मतलब वन भाग हो जाएगा और कर्णी में तीन बटे दो, तो वन का मल्टीप्लाई कर दो तो दो बटे कर्णी में तीन, क्योंकि जैसे इस भाग को हम इनटू बदलते हैं ये संख्या ऊपर जाती है, ये नीचे आती है, यहां इस तरह से पलटी भाई, तो ये हो गया दो बटे कर्णी में तीन। तो देखो यहां लिख देंगे दो बटे कर्णी में तीन, बहुत आसान। अब ये सारी संख्याएं पलट दो ऊपर, देखो कर्णी में टू अपान वन, तो अगला जब बताओगे तो देखो ये है वन अपान डिवाइडेशन हो जाएगा, देखो ये वन डिवाइडेशन वन अपान कर्णी में टू, जब इसको हल करोगे एक गुणे एक कर्णी में दो ऊपर चला जाएगा बटे एक, ये हो जाएगा आपका कर्णी में दो। इसी तरह ये है वन अपान सीधा सीधा वन डिवाइडेशन वन अपान टू करोगे तो वन इंटू टू अपान वन, इसका हो जाएगा टू, देखो यहां टू रख ले। अब लास्ट में क्या है जीरो, यानी इसको हल करोगे तो वन अपान जीरो, तो ये वन अपान जीरो में जब भी डिवाइड करोगे तो इसका मान अनंत आता है, तो ये हम अनंत, देखो कितना आसान है। अब इसको क्या करेंगे, देखो इसको यहां रखो, इसको यहां रख लो, इसको यहां रख लो, और ये टू अपान कर्णी में थ्री यहां होगा और ये वन यहां होगा। इस तरह से देखो त्रिकोणमितीय कोणों का मान ऐसे ज्ञात किया जाता है, यदि इसको आप सीख लेते हो समझ लेते हो तो कभी आप ये गलती इसके मान लिखने में नहीं करोगे। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त होता है। आप सभी लोगों को जय हिंद, लाल सरकार लाल सलाम, आपके नाम।